मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है बिल्कुल हलवाई स्टाइल खस्ता शक्करपारे। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, इसका कलर भी कितना बढ़िया है, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, इतने खस्ता बने हुए हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार है। शक्करपारे बनाने के लिए ये मैंने 1/4 कटोरी दूध लिया, इसके अंदर 1/4 कटोरी घी डालेंगे। ये गाय का घी है, घी को आप पिघाल के डालें। दूध रूम टेम्परेचर वाला है, ना गर्म है और ना ठंडा है। और ये पीसी हुई शक्कर है, ये भी 1/4 कटोरी डालेंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है, यानी बीट कर लेना है। इस तरह का गोल तैयार करने से शक्करपारे बिल्कुल हलवाई जैसे खस्ता और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अच्छे से मिलाए, जब तक कि शक्कर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक मिलाए इसको। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, ये देखिए इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार हो गया। मैंने मैदा लिया है, ये 1 कप मैदा है, इसको हमें छान लेना है। 1/2 कप मैदा और लिया है, टोटली 1.5 कप मैदा लिया है। इनको भी हमें अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मथ लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट माप है और कितना सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट माप से इसका डो तैयार हुआ है। ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है, हाथ में भी नहीं चिपक रहा है। इसी तरह का शक्करपारे का जो डो होता है, अगर हम तैयार करते हैं तो शक्करपारे बिल्कुल हलवाई जैसे खस्ता बनते हैं। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 1-1.5 घंटे भी रेस्ट पे रख सकते हैं। आटे को भिगे हुए 1/2 घंटा हो चुका है, इसे हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मथ लेंगे। एक बड़ा सा पेड़ा तोड़ेंगे और इसकी लोई बनाएंगे। जैसे हम पराठे की लोई बनाते हैं वैसी लोई बनानी है। चकले पर इसको लोई को रखेंगे और इस तरह से हाथ से इस तरह से इसको प्रेस कर लें। इसको हम बेलेंगे। इसकी हमने 1/4 इंच मोटी रोटी बेल ली है, देखिए इतनी मोटी होनी चाहिए तो ये शक्करपारे एकदम खस्ता और अच्छे बनेंगे। इसकी किनारी को हम काट लेंगे। आप चाहे जिस शेप में से काटें, ये देखिए इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। ये एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा है, ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। इसमें हम एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे। ये देखिए इसमें जो हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, ये परफेक्ट टेम्परेचर है शक्करपारे के लिए। इस लोई को हम निकालेंगे और मीडियम फ्लेम पर शक्करपारों को फ्राई करना है। अगर आपने हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करा तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए शक्करपारों का कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर की हुए। इनको हम निकाल लेंगे। सारे शक्करपारे हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे शक्करपारों को हमने फ्राई कर लिया, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, सुपर टेस्टी और सुपर क्रंची। ये देखिए इसको मैं तोड़ के बताती हूँ, कितने बड़े अंदर से फ्राई हुए और कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसे 1-2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।